मामले आम चल रही है। दरअसल बिजली विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सरदार शहर रोड पर बस स्टैंड के पीछे रिको कॉलोनी में छापेमारी की तो विभाग के अधिकारी दंग रह गए। वहां पूरी की पूरी लाइन बिजली विभाग के सरकारी सामान को लाकर खड़ी कर दी गई। बताया गया कि यह जगह किसी पीसी गोयल नाम के व्यक्ति की है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सरकारी सामान बिना बिजली विभाग के मिलीभगत के यहां आया कैसे। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीतिक रसूख रखने वाले इन लोगों पर विभाग कोई कार्रवाई कर पाता है या मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। आस पड़ोसियों की शिकायत आई कि यहाँ पे लाइन खींची जा रही है, तो इस संबंध में मैं जांच करने वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे 7 पोलों की लाइनें खड़ी थी और जोधपुर डिस्कॉम के पोल लगे हुए थे यहाँ के पता किया तो ये काम डिपॉजिट वर्क में होना था। उपभोक्ता को अपना सामान खुद स्वयं लेके आना था मगर वहाँ निगम के पोल लगे तो वहाँ तुरंत विजिलेंस सीट भरी गई थी और बाकी अभी निगम स्तर पर कार्रवाई की जाएगी आगे।